हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नई भर्ती के बारे में जो पटना हाई कोर्ट की तरफ से निकाली गई है, जिसमें टोटल जो वैकेंसी रखी गई है वो टोटल 39 वैकेंसी रखी गई है। यह वैकेंसी जो है ट्रांसलेटर के पोस्ट पर निकाली गई है। इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई जो डेट रखा गया है वो 21 अक्टूबर 2022 रखा गया है, यानी 21 अक्टूबर 2022 से जो है आपका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट टू फॉर्म, फॉर्म के लिए जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 11 नवंबर 2022 रखी गई है। एग्जाम डेट के लिए जो आपकी संभावित जो तिथि जारी की गई है वो 8 जनवरी 2023 रखी गई है। अगला है सैलरी। सैलरी की जो यहाँ पर हम बात करेंगे वो मंथली सैलरी की बात करेंगे, जो आपका 44,900 रुपया से लेकर 1,42,400 रुपया जो है आपकी मंथली सैलरी रखी गई है। नेक्स्ट है हमारा एज लिमिट। तो आयु सीमा की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2022 को जो है आधार मानकर आपकी आयु सीमा की गणना की जाएगी। मिनिमम एज मतलब न्यूनतम जो आयु रखी गई है वो 18 ईयर्स रखी गई है। अगर आप यूआर मतलब जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस बीसी या ईबीसी कैटेगरी के लिए जो मेल या फीमेल के लिए जो आपकी मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो आपका 40 ईयर्स रखी गई है। यूआर ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो मेल या फीमेल के लिए जो आपकी जो मैक्सिमम एज मतलब अधिकतम जो आयु रखी गई है वो आपका 37 ईयर्स रखी गई है, और ऑल कैटेगरी के लिए जो आपकी मैक्सिमम एज मतलब अधिकतम जो आयु रखी गई है वो आपका 47 ईयर्स रखा गया है। अगला है हमारा एप्लीकेशन फी। देखिए यूआर ईडब्ल्यूएस बीसी या ईबीसी कैंडिडेट के लिए जो आपका एप्लीकेशन फी अवेलेबल कराया गया है वो 1,000 रुपया रखा गया है। एससी एसटी या ओएच कैंडिडेट के लिए जो आपका एप्लीकेशन फी अवेलेबल कराया गया है वो 500 रुपया रखा गया है। अगला है पेमेंट मोड। पेमेंट मोड जो है आपको ऑनलाइन ही पैसा पे करना है। अगला है हमारा क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता क्या रखी गई है। तो देखिए पहला जो योग्यता मांगी गई है, आपको भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जो है इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। सेकेंड नंबर पर जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो है 6 मंथ का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मांगा गया है। और थर्ड नंबर पर जो है आपको अगर आपने इंग्लिश या हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट मतलब पीजी की है तो आपको यहाँ पर ज्यादा प्रिफरेंस दिया जाएगा। और फोर्थ नंबर पर जो है आपको अगर उर्दू बांग्ला और कार्ती का अगर आपको नॉलेज हो तो आपको यहाँ पर ज्यादा प्रिफरेंस दिया जाएगा। अगला है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस मतलब चयन की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए पहली जो प्रक्रिया रखी गई है वो रिटेन टेस्ट होगा आपका। सेकेंड नंबर पर जो होगा आपका कंप्यूटर इफिशियंसी टेस्ट होगा, और थर्ड नंबर पर जो होगा आपका इंटरव्यू होगा। देखिए रिटेन टेस्ट में जो आपका मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है आपको 40% मार्क्स लाना है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जो आपका जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है वो 40% लाना है, यानी 40% मार्क्स आपको लाना है। इसी तरह इंटरव्यू में जो आपका मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है वो 30% आपको मार्क्स लाना है। अगला है हमारा रिटेन टेस्ट। रिटेन टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो रिटेन टेस्ट में जो किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए सब्जेक्ट में जो पहला है इंग्लिश, इंग्लिश से जो है आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। हिंदी से जो है आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस से जो है आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो होगा आपका 80 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें से जो है आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स लाना है वो 32 मार्क्स लाना है, और इसमें जो टाइम दिया जाएगा आपको 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। आपका एक पेपर होगा ट्रांसलेशन का, जिस जो इंग्लिश टू हिंदी होगा और हिंदी टू इंग्लिश होगा। इंग्लिश टू हिंदी में जो होगा आपका 60 मार्क्स का पेपर होगा, और हिंदी टू जो इंग्लिश होगा वो भी आपका 60 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल जो होगा ये पेपर आपको 120 मार्क्स का होगा। 120 मार्क्स में जो है आपको मैक्सिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स लाना है आपको 48 मार्क्स लाना है, और इसके लिए जो समय दिया जाएगा आपको 2 आवर्स का समय दिया जाएगा। ग्रैंड टोटल मतलब टोटल अगर रिटेन टेस्ट की अगर बात करते हैं तो टोटल जो आपका रिटेन टेस्ट होगा 200 मार्क्स का होगा। इस 200 मार्क्स में जो है आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स लाना है वो 80 मार्क्स लाना है, और जो टोटल जो समय दिया जाएगा आपको 3 आवर्स का
समय दिया जाएगा। रिटेन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद जो है आपको कंप्यूटर प्रोफियंसी टेस्ट होगा। कंप्यूटर प्रोफियंसी टेस्ट में जो पहला है आपका एमएस वर्ड से जो आपको मैक्सिमम जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड नंबर पर जो है आपका एमएस एक्सेल से भी आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और थर्ड नंबर पर जो है आपका इंटरनेट से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो होगा आपका ये 25 मार्क्स का पेपर होगा। और इस 25 मार्क्स के पेपर में जो है आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स लाना है 10 मार्क्स लाना है। और जो ये कंप्यूटर प्रोफियंसी जो टेस्ट होगा इसके लिए जो समय जो दिया जाएगा आपको आधा घंटा यानी 1/2 hours का समय दिया जाएगा। देखिए कंप्यूटर प्रोफियंसी टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद जो है अगला आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होगा आपका टोटल 20 मार्क्स का होगा। और इस 20 मार्क्स में जो है आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है 6 मार्क्स लाना है। और जो आपको समय जो होगा आपका आधा घंटा का ही है आपको समय यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये तो था पटना हाईकोर्ट भर्ती का ओवरव्यू जिसको हमने सारी चीज़ों को लिखकर आपको समझा दिया। अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसके लिए योग्यवल हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ओके थैंक्स धन्यवाद।